हेलो एवरीवन, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को कवर कर रहे हैं समय क्लास टेंथ के। उसमें तीन टॉपिक थे। पहला टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेकंड टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, थर्ड टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। इसको और भी एक वर्ड से और भी एक चीज से हम जान सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस। ठीक है, हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक्स है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले हमें थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेगी। एनी पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट है पी है जो किसी डायरेक्शन में मूव करती है, चाहे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। एनी पॉइंट मूव ऑफ एनी डायरेक्शन, देन उसकी जो फुटप्रिंट्स है उससे जो उसकी फुटप्रिंट से जो फिगर तैयार होता है उसको हम लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइन। किसी भी पॉइंट के मूव करने से एक निश्चित डायरेक्शन में जो फुटप्रिंट तैयार होता है उसको हम लाइन बोलते हैं। और वो लाइन जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करती है देन एंगल जनरेट होता है। मीन्स ये लाइन जब एंटी क्लॉकवाइज और जब क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो उस चीज को हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो हम उसको लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। सॉरी, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, जब क्लॉकवाइज मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं पी क्यू और एक क्यू डैश। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली बेसिक चीज में हम यूज करते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग के बिना उसके पास गए, बिना सेंटीमीटर या किसी चीज से उसकी हाइट को मेजर किया, हम उसकी हाइट बता सकते हैं। मींस हाइट एंड डिस्टेंस में हमें किसी भी चीज की हाइट या फिर उस बिल्डिंग या उस टावर या फिर उस ट्री या फिर उस खंभे से हमारा डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इस चीज को हम मेजर करते हैं। सपोज कीजिए, लेट दैट ये हमारी एक बिल्डिंग है। जब तक बिल्डिंग, ट्री, पोल, इन चीजों का एंगल ना गिवेन हो कि ये बिल्डिंग इतने एंगल पे झुकी हुई, जैसे झुकी हुई मीनार, ये सारी चीजें जब तक गिवेन ना हो तब तक हम उसे 90 डिग्री ही एज्यूम करेंगे। ये एक बिल्डिंग है और हम यहां पर हैं, हम यहां पर, देन इस बिल्डिंग की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। इस बिल्डिंग की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट, इसकी बिल्डिंग को हाइट बोल सकते हैं, या वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, तो हम इसे परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। हमारे यहां से जहां पर हम हैं अर्थ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम उस बिल्डिंग के बेस तक, इसको हम बेस लाइन भी बोलते हैं। अर्थ के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो कि हमारे आंखों से जाने वाली लाइन और अर्थ के पैरेलल होती है। देन ऑब्जेक्ट के टॉप को, अगर हम टॉप को मेजर मतलब इसकी हाइट को डिफाइन करें तो उसको टॉप को देखेंगे, देन टॉप की लाइन को जब हम मैच कराते हैं इस लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मींस किसी भी बिल्डिंग के हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली हाइट कैलकुलेट बेस या लाइन ऑफ साइट या फिर थीटा, मींस हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल चार चीजें होती हैं। पहला परपेंडिकुलर लेंथ, डिस्टेंस,
लाइन ऑफ साइड एंड फोर्थ थीटा। इसमें से मिनिमम टू चीज भी अगर हमारे पास गिवन है देन हम अदर टू चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी अगर टू चीज नोन है देन हम अदर अननोन टू चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर यूज होगा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का, जैसे टैन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर हमने बहुत अच्छे से लर्न करवाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या बोले, पी बाई एच साइन बी बाई एच कॉस पी बाई डी टैन, इन तीनों का यूज इसमें बहुत ही ज्यादा होने वाला है। इन्हीं तीनों चीजों से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे हम साइन को डिनोट करते हैं और बी बाई एच से हम कॉस और पी बाई बी से हम टैन जनरेट करते हैं, टैन थीटा थीटा थीटा। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले अगर जैसे स्टेट बोर्ड वाले कुछ बोलेंगे सर कैसे, उन लोगों के लिए भी है ट्रिक, लाल बटे कका मीन्स लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण ये होता है कॉस थीटा, लंब बटा आधार ये होता है टैन थीटा। अभी हमने बताया कि हम जहां पर वहां से ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए कि हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये हमारे अर्थ के पैरेलल एक लाइन है ठीक। अब हम उस ऑब्जेक्ट को टॉप को देख रहे हैं, किसको टॉप को, देन ये जो एंगल थीटा जनरेट होता है इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम किसी कहीं से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को देखते हैं, सपोज कीजिए कि हम किसी टॉप को ही देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को, देन हमारी आंखें जैसे जैसे पैरेलल लाइन से ऊपर जाती हैं, देन यहाँ पे जो थीटा जनरेट होता है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सिमिलरली सपोज कीजिए कि हम किसी ऊंचाई पे खड़े हैं और हम नीचे की किसी चीज को देख रहे हैं, देन ये हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा आंख के अर्थ के पैरेलल हमारे आंखों के सीधी लाइन में बनेगी, सीधी लाइन में मीन्स ऐसे। देन हम नीचे की साइड में देखते हैं किसी चीज को, वहां पे टॉप ऑब्जेक्ट के बेस को ऐसे, देन ये जो एंगल बनेगा मीन्स हमारी आंखों से ऑब्जेक्ट को देखने वाले जो डाउनवर्ड में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ। हम एक ही फिगर में दोनों एंगल को समझते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन दोनों को। सपोज कीजिए हमें किसी टापू पे खड़े हैं और उस टापू से हम सेम टाइम पे हम एक एरोप्लेन को देख रहे हैं जो कि ऊपर है और एक हम शिप को देख रहे हैं जो कि समुद्र में नीचे है। देन जब हम अर्थ के पैरेलल लाइन एक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखते हैं एरोप्लेन को, देन जो लाइन जनरेट होती है यहाँ पे जो लाइन जनरेट होती है ये हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। देन सिमिलरली जब हम नीचे देखते हैं शिप को देन हमारा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स सारा का सारा गेम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड और ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइड और वर्टिकल लाइन इसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात सिर्फ कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ी सी और थ्योरी है उसको थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाउनवर्ड की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री, देन इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन पी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां पे मैच करता है वहां तक के डिस्टेंस को बेस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, वैसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बेस बोल रहा हूं, एंड ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन लाइन ऑफ साइड
को मैं हाइपरटेनियस बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपरटेनियस होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री और थीटा के बेस, थीटा के बीच वाली जो साइड होती है उसको हमेशा हम बेस बोलते हैं। सपोज कीजिए अगर ये ऐसा फिगर हो, थीटा हमारा यहाँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, अगर थीटा यहाँ पर है देन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है हाइपरटेनियस ये, देन बेस हमारा ये होगा। जब मैं पाइथागोरस बता रहा था बहुत अच्छे से इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियो में है, आप लोग उसको जाकर के जरूर देखिए। देन यहां पर अगर हमें ये डिस्टेंस गिवेन है या ये हाइट गिवेन है या फिर ये गिवेन है, देन हम इस एंगल से साइन थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेनियस, हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें थीटा कोई भी दो चीज अगर नोन है तो हम बाकी दो चीजें निकालेंगे, फोर चीज ही हमें टोटल है, एक है थीटा, एक बेस, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपरटेनियस, ठीक है। तो हमें अगर थीटा गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन, देन हम हाइपरटेनियस निकाल लेंगे, और अगर कॉस थीटा है देन सिमिलरली कॉस से हम b/h कर देंगे और tan से p/b कर देंगे। चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, नहीं इस x हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल जहां से ये ऑब्जेक्ट को टच कर रही लाइन, उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, इसलिए ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होंगे। ये क्यों होंगे? जब जब कोई टू पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है देन इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्यों? ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, एंगल थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, मीन्स एंगल थीटा वन बराबर एंगल थीटा टू। आगे से मैं पूरा एंगल नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल थीटा वन बराबर थीटा टू, इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। मीन्स ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जो एंगल यहाँ 30 डिग्री गिवन है सेम एंगल को हम यहाँ पे पुट करके इसकी हाइट कैलकुलेट किया करेंगे और यही हाइट इस हाइट के बराबर होगी। सिमिलरली पैरेलल लाइन आपस में उनका डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, चाहे हम यहाँ की बात करें h1 बराबर h2 बिकॉज h1 बराबर h2 बिकॉज बोथ लाइन इज द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की जो डिफिनेशन ही है उनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी। एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम टोटल थ्री टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे पहला हमारा डिग्री, मिनट, सेकेंड, जो कि हमारे टेंथ वाले टॉपिक के ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वहां पर हमारा डिग्री मिनट सेकेंड ही यूज होता है। इसके बाद और फिर थर्ड सेकेंड है ग्रेड मिनट एंड सेकेंड, फिर लास्ट हमारा रेडियन, डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन टू कन्वर्ट डिग्री 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम अलग एंगल्स वाले जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे हम कवर करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। डिग्री मिनट एंड सेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMS। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में ये चीज यूज होती है। अभी हम सिर्फ डिग्री में ही हमने एंगल्स को पढ़ा हुआ है, बट आगे चल के या इसी के सेकेंड टॉपिक में हमारा है मिनट एंड सेकेंड। देखिए जैसे मैं एंगल्स जब हम और अच्छे से किसी भी कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एंगल के साथ में हम टाइम भी बता दें कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे किस एक्सिस से कितने डिग्री पर कितने मिनट और कितने सेकंड पे अवेलेबल है। इसका यूज हम एरोप्लेन के एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करने में यूज होता है और भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, बट इतने डीप में हमें जाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे हमारे गिवन है 75 डिग्री 19 मिनट 20 सेकंड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 60 मिनट से, ठीक है। देन 20 सेकंड हमारे पास ऑलरेडी है, 20 सेकंड को हम डिवाइड करेंगे 3600 से, देन एक पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा 75, कैलकुलेट करने पे 75.32 डिग्री। ये जिसके साथ भी गिवन होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन के साथ होगा तो पीछे टेबल में हम उस चीज की वैल्यू को ऐड करते हैं, कॉस के साथ होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे पीछे टेबल से देखिए, उसका पूरा मेथड होता है उसमें हम बताएंगे। बट अभी आप इतना समझिए कि एंगल्स ऐसे भी गिवन हो सकते हैं, मींस डिग्री मिनट और सेकंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ग्रेड मिनट और सेकंड ये भी है, रेडियन भी है। अभी हम डिग्री बीएमएस पे ही करते हैं चर्चा, ठीक है। हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पूरा डिग्री में वैल्यू गिवन होगी, पूरी की पूरी वैल्यू किसमें गिवन होगी, हमारी एक बिल्डिंग है और हम यहां पर हम इसके टॉप को देख रहे हैं और बिल्डिंग से हमारा डिस्टेंस बेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बेस, हमने बोला है कि हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल चार चीजें होंगी, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज एंड थीटा, ये चार चीजें गिवन ही होंगी। ये 90 डिग्री ऑलवेज हमेशा होगा जब तक वो बोले ना, ये 90 डिग्री हमेशा होगा जब तक वो बोले ना ए, चलिए कुछ और नाम भी लेते ले लेते हैं, के एल एंड एन। ये हमारी एक बिल्डिंग है, इसकी हमें हाइट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है ये 30 डिग्री पे इसको देख रहे हैं, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और यहां से हमें मिनिमम ओनली टू चीज गिवन है, एक चीज गिवन हो गई। चलिए हम यहां से इसका डिस्टेंस बता दे रहे हैं कि इस पॉइंट एम से एल का डिस्टेंस हमारा टोटल है 10, ये मैं एज्यूम करूंगा एग्जाम्पल, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें लाइन ऑफ साइड निकालनी है, ठीक है, और हमें इस बिल्डिंग का एक ही चीज निकालते हैं, अभी हम बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करते हैं, मींस पी या के एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप याद कीजिए रिलेशन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्यूटी, मीन्स हमें पी बाई बी का रिलेशन चाहिए, पी बाई बी, पी बाई बी किस में आता है, टैन में आता है, पी बाई बी किस में आता है हमारा, टैन में आता है, मीन्स टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ये सिंपल सा एक बेसिक से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी, बस थोड़ा सा देख लीजिए आप, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी हमें अननोन है और बेस हमें नोन है 10, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। ये हमने कैसे निकाला, हमने बोला था आपको बस साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और
कॉस 30 बाई होती है अंडर रूट बाई 2, 2 से 2 कट, टेन 30 वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो टेन 30 वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू पी बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी इक्वल टू आ गया 10 अपॉन अंडर रूट 3। एक बेसिक मैथमेटिक्स है वो बोलते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देन हम वहां पर अंडर रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 अपॉन 10 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये हो जाएगा पी इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। सर ये अंडर रूट 3 ही रहने दिया जाएगा? नहीं। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट इंटू अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, मीन्स अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट कट के वो अंडर रूट के अंदर में जो वैल्यू होती है वो आ जाती है। जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 2, कभी भी 4 नहीं होगा, क्या होगा 2। ये कैसे होता है अभी देख लीजिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट को हम लिखते हैं 2 टू द पावर 1 बाई 2 का होल पावर 2, इस 2 से और किसी भी पावर की पावर जब मल्टीप्लीकेशन पावर की पावर जब होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, मीन्स 2 टू द पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कट, आंसर क्या आ गया 2। ये अलजेब्रा में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ। बिल्डिंग की हाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पी इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 बाई 3, बट ये अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है इसलिए उसकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है, हम कैलकुलेट करना भी सिखा देंगे थोड़ी देर बाद। अभी देखिए अंडर रूट 2 इक्वल टू होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, अंडर रूट 3 इक्वल टू होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, अंडर रूट 1 बराबर होता है 1, अंडर रूट 4 बराबर होता है प्लस माइनस 2, बट हमेशा हम प्लस में ही साइन रखते हैं, इसको बेसिकली हम 2 ही लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप अगर लैंड कर पाए तो लैंड कर लीजिए, बाकी मैं कैसे निकालते हैं मैं इसको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिए।